ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अपनी किस्मत को यदि आप बदलना चाहते हैं, अपनी किस्मत से आप बहुत नाराज़ हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत बहुत ख़राब है, अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो इस ख़राब किस्मत को आप बदल सकते हैं। ये बातें थोड़ी आपको अचंभित कर रही होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है और कई सारे जातकों ने अपनी किस्मत को बदला है। और ये चमत्कारिक तरीके अगर आप अपने निजी जीवन में आज अभी से अपनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहला जो आपको चीज़ें करनी है कि अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दें। अक्सर लोग अपनी किस्मत को कहते हैं कि हमारी किस्मत तो बहुत ख़राब है, और अपने मन में वो एक डर हमेशा बनाए रखते हैं कि ऐसा होगा, हमारी किस्मत तो ख़राब ही है, अब चीज़ें कैसी होगी, और चीज़ें आपको वैसे ही होती दिखाई देती हैं। और ये ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो सबसे पहली गलती जो आपको सुधारना है कि अपनी किस्मत को कोसना बंद करना है कि हमारी किस्मत ख़राब है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपकी किस्मत में सब चीज़ें अच्छी होगी। जब आप मन में सच्ची ईमानदारी के साथ ये चीज़ें सोचेंगे तो आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू करेगा। ये तो सिर्फ पहला पॉइंट था जो आपको मोरल तौर पर सही करना है। इसके बाद मैं अतिरिक्त आपको पॉइंट बताऊँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें, और अगर कहीं भी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपनी कुंडली का एनालिसिस अगर हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि आपको यदि खुद पर यकीन नहीं होगा तो समझिएगा कि आपको अपने इष्ट पर भी यकीन नहीं है। तो सबसे दूसरी मुख्य बात है, आप खुद पर यकीन करें, और खुद पर यकीन में जो मन में डर है उस डर को निकाल दें। ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि डर अज्ञानता से आता है और अज्ञानता जो है वो ज्ञान से मिटता है। इसलिए हमेशा चीज़ों का अध्ययन करते रहें। ये चीज़ें किस्मत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किस्मत केवल और केवल बहादुरों का साथ देती है। किस्मत हमेशा जो लोग मेहनत करते उनका साथ देती है। लेकिन हम कुछ पॉइंट पे आकर हमारे बारे में बहुत नेगेटिव फील कर लेते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं, और इस वजह से परिणाम हमें हमारे मन मुताबिक या हमारी जितनी मेहनत होती उतना नहीं मिलता है। तो ये मोरल चीज़ों को अगर आप सही करेंगे, बेसिक चीज़ों को सही करेंगे, तो ज़्यादातर लोगों की परेशानी ख़त्म हो जाती है। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ वो है गुरु मंत्र का जप, अपने इष्ट मंत्र का जप। अगर कोई नहीं है आपके पास मंत्र, तो ओम नमः शिवाय का जाप करके भी आप इससे बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। ये बहुत चमत्कारिक मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ करते रहें। आपकी किस्मत आप जरूर बदलेगी और आपको साथ देगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।